Hi students, welcome back in English grammar class. Hope you all will be safe and healthy. Our today topic is comma. What is it? Comma. But before going to that, let's discuss our previous homework. As you know that we have discussed words opposite in that, and I have told you to match these column. So what you have to do, you have to match the different words with opposites which are given on the other side of the page. So look at the number first, day. So you know day, what is the meaning of day? Din. Din ka waqt jab hota hai, jab light hoti hai. So day would be matched with, look at another side of the page. Hamare paas ek inside hai, jo ke matlab hai iska. Inside mean andar, right mean daya. नाइट रात जब होती है, जब अंधेरा होता है हर तरफ. सो डे वुड बी मैच विद द वर्ड नाइट. दिन का अपोजिट क्या है? नाइट. रात, डे, नाइट. देन वी हैव द वर्ड टाल. टाल मीन लंबा. जब कोई बंदा लंबा होता है, जब कोई बच्चा लंबा होता है, जब कोई चीज़ लंबी होती है, सो वी कॉल इट दैट इट इज़ अ टॉल बॉय और इट इज़ अ टॉल गर्ल और इट इज़ अ टॉल स्टिक. सो लुक एट अदर साइड, इसमें जो वर्ड शॉर्ट दिया है, शॉर्ट मीन जो छोटा होता है. सो मैच दिस वर्ड टॉल विद द वर्ड शॉर्ट ऑन द अदर साइड. देन वी हैव द वर्ड आउटसाइड. आउटसाइड मीन बाहर. सो वी हैव द वर्ड इनसाइड ऑन द अदर साइड, जो कि फर्स्ट वाला वर्ड है. आउटसाइड, इनसाइड, बाहर, अंदर. जब आप लोग अपने रूम में होते हो, यू आर इनसाइड. जब आप लोग बाहर गार्डन में होते हो, यू आर आउटसाइड. सो मैच दिस आउटसाइड विद द वर्ड इनसाइड. अबव, अबव, ऊपर. इन वी हैव द वर्ड बिलो, जो कि हमारे पास नीचे को कहते हैं. अबव, ऊपर, बिलो, नीचे. सो मैच दिस वर्ड अबव विद द वर्ड बिलो. देन वी हैव लेफ्ट. लेफ्ट जिस तरह हमारा लेफ्ट हैंड होता है और हमारा राइट हैंड होता है. सो मैच द वर्ड लेफ्ट विद द वर्ड राइट. लेफ्ट वर्ड को राइट के साथ मैच करें. दीज वर ऑल वर्ड्स अपोजिट. नो कम टूवर्ड्स अवर टूडेज टॉपिक विच इज कामा. यू नो कामा, जानते हो आप लोग, ये एक हमारे पास एक साइन है, एक पंक्चुएशन मार्क है, जो हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. जिस तरह मैंने आप लोग को बताया था कि सेंटेंस को जब हम फिनिश करते हैं तो हम वहाँ पे एक पीरियड लगाते हैं, या जैसे आप लोग फुल स्टॉप भी कह सकते हो, या उसके लास्ट में हम मार्कअप एक्सक्लेमेशन लगाते हैं. वो इफ़ यू रिमेम्बर, जो कि हमारे पास वो उल्टा आई का वाला साइन होता था, या आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हो. लेकिन अब यहाँ पे ये कामा हम कहाँ पे लगाते हैं? ये सेंटेंस के बीच में लगाते हैं. वो साइंस जो कि मैंने आप लोग को बताया था, पीरियड, मार्कअप एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, वो हम सेंटेंस के लास्ट में लगाया करते हैं. लेकिन यहाँ पे ये कामा हम सेंटेंस के बीच में लगाते हैं. सो लेट्स डिस्कस कि हम ये कामा कहाँ पे लगाते हैं, या कामा किसे कहते हैं. ए कामा इज़ यूज्ड विद इन अ सेंटेंस. मैंने आप लोग को बताया सेंटेंस के लास्ट में नहीं, इट इज़ यूज्ड विद इन अ सेंटेंस. ये एक सेंटेंस के बीच में यूज़ होता है, उसके दरमियान में यूज़ होता है. अ कामा टेल्स द रीडर व्हेन और वेयर टू पॉज. और हम ये कामा क्यों लगाते हैं? ताकि ऐसे हमें पता चले कि हमने वहाँ पे रुकना नहीं है, जस्ट पॉज लेना है. यू नो पॉज, जब हम कहीं पे थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं एंड देन वी स्टार्टेड अगेन, दैट इज़ कॉल्ड पॉज. जिस तरह आप लोग वीडियो पॉज करते हो, एक जगह पे खड़े कर देते हो, फिर आप लोग दोबारा प्ले का बटन क्लिक करके उसे दोबारा से स्टार्ट कर देते हो. सो दिस कामा इज़ यूज्ड टू टेल द रीडर के कहाँ पे आप लोगों ने पॉज करना है. इसके बगैर मीनिंग क्लियर नहीं होती. जब हम ये कामा नहीं लगाते तो एट टाइम्स हमारे पास सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग चेंज हो जाती है. इस वजह से हम उसमें कामा लगाते हैं. ए कामा टेल्स द रीडर व्हेन और वेयर टू पॉज. जब कोई पढ़ने वाला होता है, रीडर, जब जो पढ़ रहा होता है, तो उसे ये बताने के लिए कि यहाँ पे तुमने थोड़ा सा रुकना है, हम क्या लगाते हैं, उसके लिए हम कामा लगाते हैं. इट हेल्प्स टू मेक द मीनिंग ऑफ सेंटेंस क्लियर. आई टोल्ड यू, मैंने आप लोग को जिस तरह भी बताया कि ये सेंटेंस की मीनिंग को और भी क्लियर करता है, और भी वाजह करता है. नो लेट्स सी कि इसके हमारे पास क्या रूल है. एक
रूल नंबर वन ये है कि यूज़ द कामा बिटवीन द मंथ डेट एंड द ईयर, हमने मंथ डेट और ईयर के बीच में से कामा लगाना है. नाउ यू कैन सी आई वॉज बॉर्न ऑन मार्च 24, 2005. आई वॉज बॉर्न ऑन मार्च 24, 2005. सो हेयर यू कैन सी हमने कहाँ पे कामा लगाया है, मार्च 24 के बाद कामा लगाया है. And why have we used this comma? हमने ये comma क्यों लगाया है? To separate this date with the year, ताकि इस date को हम year से separate कर सकें. अगर बीच में ये comma हम हटा दें, imagine, तो फिर आप लोग ये किस तरह पढ़ते? I was born on March 24, 2005. इस तरह आता. लेकिन यहाँ पे हमने comma लगाया जिसकी वजह से date और year हमारे पास separate हुआ. I was born on March 24. फिर आप लोग थोड़ा सुर रुके, उसके बाद 2005. I was born on March 24, 2005. So here you can see, यहाँ पे हम रुके. ये सेंटेंस पढ़ते हुए हमने पॉज कहाँ पे दिया? कामा पे. So कामा कहाँ पे यूज़ होता है? बिटवीन मंथ डेट एंड द ईयर, मंथ डेट के बाद और ईयर से पहले. क्लियर? देन रूल नंबर टू हमारे पास क्या है? यूज़ द कामा टू सेपरेट थ्री आर मोर नेम्स इन अ सेंटेंस. हम जब थ्री या थ्री से ज़्यादा नेम्स हमारे पास एक सेंटेंस में दिए गए हो, तो हम उनको सेपरेट करने के लिए उनके बीच में कामा लगाते हैं. एज यू कैन सी, मुश्तबा कामा, रुस्तम कामा, मुस्तफ़ा एंड दानियाल आर माई फ्रेंड्स. सो हियर यू कैन सी, अगर हम मुश्तबा के बाद ये कामा ना लगाते तो फिर हमारे पास मीनिंग इतनी क्लियर ना होती कि हमने ये सारे नेम्स सेपरेट लिखे हैं या इन नेम्स को सेपरेटली पढ़ना है. इस तरह जब हम पढ़ रहे हैं, सो यू कैन नोटिस, आप लोग नोटिस कर सकते हो कि हम यहाँ पे पॉज लेते हैं जिधर पे कामा लगा है. मुश्तबा, रुस्तम, मुस्तफ़ा एंड दानियाल आर माई फ्रेंड्स. सो हियर यू कैन सी, हम यहाँ पे ना बार बार एंड लगा सकते थे कि मुश्तबा एंड रुस्तम एंड मुस्तफ़ा एंड दानियाल, इस तरह भी नहीं कर सकते थे. तो हम इसकी वजह से उसके पॉज के लिए हम कामा लगाते हैं. तो कहाँ पे लगाते हैं? जब हमारे पास थ्री या थ्री से ज़्यादा नेम्स एक सेंटेंस में दी हो, तो हम उन नेम्स के बीच में से कामा लगाते हैं. मुश्तबा, रुस्तम, मुस्तफ़ा एंड दानियाल आर माई फ्रेंड्स. सो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हर एक नेम के बाद कामा लगाया है, लेकिन जिधर पे एंड लगा है फिर हमने वहाँ पे कामा नहीं लगाया है. रूल नंबर थ्री हमारे पास है, यूज़ द कामा टू सेपरेट थ्री आर मोर आइटम्स इन अ सेंटेंस. हमने क्या करना है? जब हमें एक सेंटेंस में थ्री या उससे ज़्यादा आइटम्स, चीज़ों के नेम्स दिए हों, तो हमने उनको सेपरेट करने के लिए उनके बीच में से कामा एड करना है. लाइक यू कैन सी, आई लाइक रीडिंग कामा क्रिकेट एंड टॉयज. हमने रीडिंग के बाद क्या लगाया है? कामा लगाया है. क्यों? क्योंकि ताकि हमें पता चले कि रीडिंग एंड क्रिकेट को हमने सेपरेट करना है. आई लाइक रीडिंग क्रिकेट एंड टॉयज. अगर हम बीच में एक कामा ना लगाते तो फिर ये इस तरह होता, आई लाइक रीडिंग क्रिकेट. सो क्रिकेट को तो हम रीड नहीं कर सकते कि हम इस तरह लिखते, आई लाइक रीडिंग क्रिकेट. सो टू सेपरेट दीज वर्ड्स हमने इसके उनके बीच में कामा लगाया है, आई लाइक रीडिंग क्रिकेट एंड टॉयज, ताकि रीडर को भी पता चले कि यहाँ पे पॉज लेना है. अदरवाइज हम ये इस तरह से पढ़ते, आई लाइक रीडिंग क्रिकेट एंड टॉयज. रीडिंग क्रिकेट मीनिंग इसकी गलत होती, हमें इसकी मीनिंग गलत मिलती. सो वी हैव यूज्ड दिस कामा हियर, आई लाइक रीडिंग क्रिकेट एंड टॉयज. तो जब हमारे पास एक सेंटेंस में थ्री या थ्री से ज़्यादा आइटम्स दिए हो, तो हम उनके बीच में कामा यूज़ करते हैं. रूल नंबर फोर, पुट अ कामा बिफोर एंड आर बट व्हेन जॉइनिंग टू कंप्लीट सेंटेंसेस. हम ये वर्ड्स एंड बट सेंटेंसेस के बीच में लगाते हैं जब हम, एज यू नो दीज आर कंजंक्शंस, एंड और बट हमारे पास कंजंक्शंस हैं जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को मिलाते हैं. लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वो हमारे पास कंप्लीट सेंटेंसेस हो, दो कंप्लीट सेंटेंसेस हो, तो हम उनको इनके बीच में एंड या बट से पहले क्या लगाते हैं? कामा लगाते हैं. हेयर यू कैन सी, आई बॉट अ न्यू ड्रेस कामा एंड आई बॉट मैचिंग शूज विद इट.
अब यहाँ पे ये दो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। अगर हम इसे इस तरह भी लिख सकते थे, आई बॉट अ न्यू ड्रेस, और फिर दूसरा सेंटेंस लिखते आई बॉट मैचिंग शूज विद इट। लेकिन इन दो कंप्लीट सेंटेंसेस को एक साथ लिखते हुए हमने बीच में एंड लगा लिया, तो यहाँ पे एंड से पहले फिर हम खामा ऐड करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये दोनों सेंटेंसेस कंप्लीट थे। आई बॉट अ न्यू ड्रेस एंड आई बॉट मैचिंग शूज विद इट। सो जब हमारे पास टू कंप्लीट सेंटेंसेस एक साथ जॉइन हुए हो एंड या बट वर्ड्स उसमें यूज हुए हो, तो हम उन इन वर्ड्स से पहले खामा यूज करेंगे। आई बॉट अ न्यू ड्रेस खामा एंड आई बॉट मैचिंग शूज विद इट। सो हेयर यहाँ पे हमने खामा बीच में ऐड किया ताकि यहाँ पे पॉज ले सकें। होप दिस वुड बी क्लियर टू यू। आप लोग को ये फोर रूल्स क्लियर होंगे। एक हम खामा तब लगाते हैं जब हम मंथ डेट और ईयर को सेपरेट करते हैं, उसके बीच में हम कामा लगाते हैं। रूल टू हमारे पास ये था कि हम डिफरेंट नेम्स के बीच में लगाते हैं जब एक सेंटेंस के में हमारे साथ थ्री या थ्री से ज़्यादा नेम्स दी हों। रूल नंबर फोर थ्री में हमने डिस्कस किया कि जब हमारे पास डिफरेंट आइटम्स दी हों, डिफरेंट चीज़ों के नेम्स एक सेंटेंस में दिए हों, तो हम उनको सेपरेट करने के लिए उनके बीच में कामा लगाते हैं। और रूल नंबर फोर ये था कि जब हम टू कंप्लीट सेंटेंसेस लिखते हैं और उनको एंड या बट वर्ड्स के ज़रिए जॉइन करते हैं, तो एंड या बट वर्ड्स से पहले हम खामा यूज़ करते हैं। दिस इज़ योर होमवर्क पेज एंड द क्वेश्चन इज़ एट खामाज। आप लोगों ने इसमें से खामाज पुट करने हैं, खामाज यूज़ करने हैं। सारा, साइमा, समीना एंड सना आर प्लेइंग। आवर स्कूल विल री ओपन ऑन April 5, 2019। आवर बस केम लेट बट वी रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। I like to play cricket, hockey, football and badminton. So here you have to add commas where necessary. वही four rules आप लोगों ने देखने हैं और इन four sentences में commas put करने हैं। Hope this lecture would be clear to you. See you in my next class. Have a nice day.